दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम करेंगे एक 12 वोल्ट का फैन सर्विस, जो कि गाड़ियों में देखा होगा आपने, ये लगा रहता है। तो इसको चलो हम चेक कर लेते हैं पहले, और इसको ठीक करेंगे, सर्विस करेंगे इसकी हम आज। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना मेरे पास, इसको मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे पास है एक 12 वोल्ट का एडप्टर जो कि 2 एम्पियर का है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ और साउंड देखना आप कैसी आती है। दोस्त तो दोस्तों आपने आवाज़ सुन ली है इसकी, तो चलो अब हम इसको खोलते हैं। स्क्रू के साथ इसकी स्क्रू निकालेंगे हम एक एक करके। तो दोस्तों मैं आपको अब इसको पूरा ओपन करके दिखाता हूँ, इसकी हम सर्विस करेंगे। तो इसको क्लियर करेंगे पहले, तो इसको खोल देता हूँ मैं सबको। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, मैंने सारे पार्ट्स खोल लिए हैं, और देखो इसमें बहुत सारा डस्ट फंसा है, इसकी वजह से ही आवाज़ कर रहा था। तो मैं इसको क्लियर कर लूँगा अच्छी तरह से, और इसके बेस को हटा देता हूँ पीछे से। और आप देखते रहें, ये गियर है इसका, जैसे कि लेफ्ट आउट करने में, राइट करने में काम आता है, जो कि आगे मैं करके दिखाऊंगा। और इसको मैं निकाल देता हूँ अच्छी तरह से पेचकस की सहायता से, ताकि ये पूरी तरह से शाफ्ट इसकी क्लियर हो जाए। पहले इसकी डस्ट को निकाल देता हूँ, बहुत टाइट है, ये निकल नहीं रहा आसानी से। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मैं इसकी निकाल देता हूँ इसको अच्छी तरह से। तो देख रहे हैं जैसा कि इसको मैं पेचकस की सहायता से निकाल दूंगा, आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें डस्ट है, ये निकल नहीं रहा है। काफ़ी सारी मेहनत लग रही है इसमें इसको निकालने में। दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो अब मैं इसको पेचकस की सहायता से निकाल देता हूँ, आराम से निकाल देंगे इसको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना बने शाफ्ट में, क्योंकि अगर शाफ्ट में डेंट लग गया तो ये चल नहीं पाएगी सही से। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे क्लियर हो गया, देखो डस्ट कितना निकला नीचे दिख रहा है। तो अभी मैं इसको सारे पार्ट साफ कर लेता हूँ एक एक करके। तो इसका ये पीछे का कवर है, इसको मैं डस्ट को अच्छी तरह से साफ कर लूँगा इस चाकू की सहायता से। इसमें बहुत सारा ऑयल की वजह से मिट्टी आ गई है, तो यही मिट्टी जम के और बाद में फिर उसमें मोटर में चली जाती है, वो आवाज़ करने लग जाती है। तो हम इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसको कपड़े की सहायता से। अब हम इसको अच्छी तरह साफ करने के बाद में इसमें इसके गियर को भी साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। देखो कितना सारा ऑयल जम गया है इस पे, आप देख सकते हैं। इसको निकालने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे चाकू की सहायता से, जितना डस्ट निकल सकता है तो निकाल देंगे। बाकी देखेंगे कि इसमें कितना फर्क आता है। दोस्तों आप मैंने वीडियो में बने रहे, आप देखना फैन अच्छी तरह से वर्क करेगा जब इसको मैं लगा दूंगा। तो चलो अब इसको हम तैयार कर लेते हैं वापसी से साफ करके इसको। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका गियर होता है जिससे ये लेफ्ट राइट घूमता है, इसी की वजह से घूमता है। इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से साफ।
अब इसकी मोटर को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हल्का हल्का। अब इसको इसमें बिठाएंगे इसके जैक में, तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ एकदम अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसका बेस कस दिया है। और अब हम इसका गियर लगाएंगे, उसको भी कस देंगे इसमें। इसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं इसके गियर के नट हैं, मैं इनको कस देता हूँ। और कसने के बाद में मैं अब आपको इसको चला के दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अब इसको डायरेक्ट पैन को कस के दिखा देता हूँ आपको, और चला के भी दिखाऊंगा कैसे चलेगी। तो दोस्तों ये मैंने वायर लगा दी है इसके, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। देखो ना अब इतनी कोई साउंड आ रही है और ना ही कोई धीमी चल रहा है। देखो इसका गियर भी काम कर रहा है, इधर लेफ्ट राइट इसी से होता है पंखा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखो अच्छी हवा आ रही है, इसकी स्पीड अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।